नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान और उसका पहला पाठ है पादपों में पोषण, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न है, पादपों में मुख्यतः खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग में होता है, यानी जो हमारे पादप हैं वो भोजन कौन से भाग में बनाते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे पादप हैं वह स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो भोजन का निर्माण खास तौर से कौन से भाग में करते हैं। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पौधे हैं वो पत्तियों से भोजन का निर्माण करते हैं। पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं क्योंकि पत्तियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित रखता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ कौन सा पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो उस पदार्थ का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है छाल, दूसरा पर्णहरित, तीसरा दलपुंज और चौथा कोपल। तो इसका उत्तर होगा पर्णहरित, है ना, पर्णहरित कह दो या ऐसे क्लोरोप्लास्ट कह दो, है ना। तो ये हरे रंग का पदार्थ पत्तियों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित रखता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्तियाँ जो होती है वो श्वसन करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती है, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेती है और ऑक्सीजन हमें देती है। तो पादपों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों से तो होता है, लेकिन पत्तियों में भी वो खास भाग कौन सा है, है ना। तो आप चार ऑप्शन में से मुझे बताइए। पहला है फल, फूल, रंध्र, जड़। तो इसका ऑप्शन है रंध्र। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ती है और पत्ती का जो छोटा सा भाग माइक्रोस्कोप से देखने पर यह रंध्र जैसा दिखाई देता है, है ना, एक छेद के समान होता है। इसमें से जलवाष्प और गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न नंबर 4, पादपों में भोजन का संग्रहण किस पदार्थ के रूप में होता है, है ना। जो हमारे पादप होते हैं वो भोजन का संग्रहण करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पादप है उन्होंने अपने भोजन को संग्रहित किया है। पहले में प्याज है, दूसरे में गाजर, तीसरे में शकरकंद। तो इस रूप में संग्रहित करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस पदार्थ का, है ना, उनका भोजन को संग्रहित करते हैं तो पदार्थ कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा स्टार्च और चौथा जल। तो इसका उत्तर होगा आपका स्टार्च। ठीक है, जो पौधप ये पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, मरुस्थल में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां क्या करती है, कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए कि पादप भोजन निर्माण किस भाग से करेगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाती है। लेकिन अब रेगिस्तान में देखिए कि वहाँ के अधिकांश जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी का जो क्षय होता है, जल का जो क्षय होता है, उसको कम करने के लिए कांटों में बदल जाती है। अब पत्तियाँ बन गई कांटे, तो पत्तियों में भोजन बनेगा नहीं बनेगा, अब बताइए, है ना। पर पौधे को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में भी जो आप देख रहे हैं चित्र में कैक्टस हैं वो जीवित है और जीवित रहता है। तो इनमें जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में बदल गई हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल गई, तो अब भोजन का निर्माण कौन से भाग से करेगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है जड़, तना, फल और फूल। तो यहाँ पर आप देखिए जो इनका तना है वो हरे रंग का है, है ना, जो इनका तना है वो हरे रंग का है। तो तने में से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है और तने से ये अपना भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 5 प्रश्न पूरे किए हैं। इस तरह से मैं आगे और भी प्रश्न लाता रहूँगा। छोटे छोटे प्रश्न आप पढ़ते रहिए और जब तक विद्यालय खुलेगा
तब तक आप इस तरह ही तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।